नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हार्ड एंड डीप फिज़िक्स विद हरदीप सर। देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं जो भी आपका IIT एग्ज़ाम, नेट और गेट के एग्ज़ाम के अंदर जो मैथमेटिकल फिज़िक्स आती है उसका पहला टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में मैं आपको बता दूं, एक्सरसाइज में बहुत सारी दूंगा इस वीडियो के अंदर, हर वीडियो में जो भी होगी एक्सरसाइज काफ़ी दूंगा। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनको ये बातें पहले पता होती हैं। हम मेथोडोलॉजी की बात करेंगे सिर्फ, जहाँ से केवल मेथड पढ़ेंगे हम, क्वेश्चन को घर पे ट्राई करके देखना, जो क्वेश्चन ना हो वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, फिर हम आपको उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं, खैर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जिसमें डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल होता है, यानी कि कोई भी फंक्शन एफ जो है वो ओनली एक्स का फंक्शन होता है और उसका डेरिवेटिव df/dx होता है, d2f/dx2 होता है, dq3x/dx3 होता है, इस तरीके के डेरिवेटिव होते हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंगल वेरिएबल। लेकिन जब पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो एफ जो होता है वो फंक्शन होता है x, y, z टू और मोर देन टू वेरिएबल का, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। तो उसमें क्या होता है, कर्ली लिखते हैं, कर्ली 2f/कर्ली x2, curly 2f/curly x curly y, इस तरीके से। इनका मतलब क्या होता है, कर्ली का मतलब होता है जब x के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो y और z कांस्टेंट रहेंगे, y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, ये आपको अच्छे से पता है। अब देखिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखिए ये एग्जांपल है, जैसे कोई पूछे ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, तो आपको ये पता है, आप ये कहते हो कि कोई भी मैक्सिमम, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा डेरिवेटिव यहाँ पर है, मैक्सिमम उसकी जो पावर है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़े डेरिवेटिव की जो पावर है, जो उसकी घात है, उसी को कहते हैं कि डिग्री है, और मैक्सिमम डेरिवेटिव को कहते हैं उसका ऑर्डर है। अब देखो इस इक्वेशन में आप कहोगे ऑर्डर, इसमें देखिए ऑर्डर क्या है, d2y/dx2 दिख रहा है कि ऑर्डर इसमें 2 है, लेकिन डिग्री इसमें देखा जाए, वैसे देखा जाए देखो इसकी पावर 1 है, इसका मतलब आप कहोगे सर डिग्री 1 है, लेकिन नहीं, इधर ये बटे में है, देखो 3/2 है, ये क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर हो कोई भी, यानी कि ये फॉर्म जो है पूरा नेचुरल नंबर कह सकते हो आप, या इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए, इसका मतलब ये 3/2 नहीं होना चाहिए। अब 3/2 क्या है, 3/2 में नहीं होना चाहिए, तो दोनों तरफ अगर हम इधर स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करोगे तो ये इधर स्क्वायर किया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पावर 3 रह गई, तो इधर क्यूब आ गई, इधर पावर 2 आ गई। अब देखिए, अब पता चल रहा है डिग्री 2 है, डिग्री भी 2 है, और इसका जो डेरिवेटिव है उसका जो मैक्सिमम ऑर्डर है वो भी 2 है, तो यहाँ से अपने को क्या कर गया, यहाँ से अपने को इसके बारे में अच्छे से पता चल गया। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते कहते हैं कैसे हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रखेंगे, आपको सिर्फ समझना है। देखो कहते हैं कि अगर मैं कह दूं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके दो सॉल्यूशन है y1 और y2, आर एनी टू सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देन तो ये जो होता है ना उसका लीनियर कॉम्बिनेशन दोनों का, c1y1x + c2y2x, ये जो होता है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये भी एक सॉल्यूशन होता है। देखिए y को ये मान लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, आगे हम ना जरोंक्सियन पढ़ेंगे आगे जाके, तो वहाँ पे और वाइडली बात करेंगे इस पर। तो y ये होता है, अब कुछ नहीं करना, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाय सॉल्विंग इट एंड रिप्लेसिंग c1 एंड c2, वन कैन फाउंड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी फाइंड कर सकता है, केवल क्या करना है, इसका क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करते जाने हैं और c1 c2 को रिप्लेस करते जाना है, काफ़ी इजी है ये। देखिए क्वेश्चन, डिटरमाइन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस e^x, x e^x, x^2 e^x, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करो। तो कुछ वही किया, क्या कर लिया, सबका लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया, पहला डिफरेंशिएशन कर दिया इसका, तो c1 ex का c1 ex, c2 ex में देखिए x का करोगे तो 1, ex का ex, उसके बाद x वैसे ही ये पड़ा, ये आ गया। अब देखिए c3 में करोगे तो x² का करोगे 2x, और उसके बाद ex का करोगे तो ex ही रहेगा। अब देखिए इसमें से ये चीज़ कॉमन आ गई, और ये चीज़ जैसे ही, अब देखिए यहाँ से ये स्टेप ध्यान दो, उसके बाद ये स्टेप, और उसके बाद ये स्टेप, ये तीनों स्टेप कॉमन आ जाते हैं, और ये तीनों स्टेप कॉमन आ जाते हैं, ये चीज़ बन जाती है, और ये चीज़
दोबारा हम देखें यहाँ से तो ये चीज़ क्या है, वाई ही है, तो इसको मैं वाई ही लिख देता हूँ, बाकी स्टेप वैसे ही पड़े हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अब अगेन डिफरेंशिएट करता हूँ, दोबारा जब डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ये वाई है, इसका हो गया वाई डैश, ये सी टू ई एक्स का सी टू ई एक्स ही रहा, ये टू एक्स सी थ्री एक्स में पहले एक्स का किया तो टू सी थ्री एक्स, फिर ई एक्स का किया टू एक्स सी थ्री एक्स। अब देखिए इसमें जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये दो स्टेप, ये दोनों स्टेप दोबारा देखें यहाँ पर यही है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई डैश माइनस वाई, वाई को इधर ले आइए, वाई डैश माइनस वाई इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने, यहाँ पे जब वैल्यू पुट की वाई डैश माइनस वाई तो ये स्टेप बन गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है तो फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट, तो ये हो गया वाई डबल डैश का वाई ट्रिपल डैश, टू वाई डैश का हो गया टू वाई डबल डैश, वाई का हो गया वाई डैश, और टू सी थ्री एक्स का ई एक्स का टू सी थ्री ई एक्स ही रहा, और टू सी थ्री ई एक्स की वैल्यू यहीं से दोबारा पुट कर दो ये वाली, क्योंकि हमें सी वन सी टू सी थ्री को तब तक हमें डिफरेंशिएशन करता जाना जब तक ये एलिमिनेट ना हो जाए, यहाँ तक ये सारे एलिमिनेट हो गए, ये इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। अब देखिए वाई की वाई के ऊपर तीन तीन बार डेरिवेटिव होता है डी क्यूब, उसके बाद देखिए ये डी क्यूब हो गया थ्री वाई मतलब थ्री डी स्क्वायर, थ्री वाई डैश मतलब थ्री डी, माइनस वाई मतलब माइनस वन इन टू वाई आ जाता है, यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे, और ये क्या है डी की माइनस वन की पावर थ्री, वाई इज इक्वल टू जीरो। इस तरीके से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हो। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखिए ये फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, डी थ्री डी की पावर एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन, पी टू डी एन माइनस थ्री, पी थ्री डी एन माइनस थ्री, एन डैश डैश पी एन तक जाते हैं। इसके अंदर देखिए जो डी है वो तो डी वाई डी वाई डी वाई, डी टू है डी टू वाई वाई डी वाई टू, इस तरीके से एनथ ऑर्डर का डेरिवेटिव, एन माइनस वन ऑर्डर का डेरिवेटिव, एन माइनस टू ऑर्डर का डेरिवेटिव ये होता है। फिर देखिए यहाँ पी वन पी टू पी थ्री और क्यू जो होते हैं इनके अंदर वाई नहीं होता, अगर डी डी वाई डी वाई है तो इनके अंदर अगर डी डी वाई डी यहाँ पे ध्यान रखना डी वाई डी एक्स होता है, डी टू वाई डी एक्स टू ऐसे होता है, ठीक है ना, एक्स ऐसे होता है, अगर इनके अंदर यहाँ वाई लिखा गया एक्स होता है, डी वाई डी एक्स डी टू वाई वाई डी एक्स टू ये होता है, अगर इनमें किसी में भी वाई नहीं है, अगर इनमें किसी में भी वाई इन्वॉल्व नहीं करता है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन अगर इनमें वाई आ जाता है तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होती। ध्यान रखना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ज़रूरी है कि इनमें वाई नहीं होना चाहिए। फिर देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वो ये हो जाएगी, देखिए डी वाई बाई डी एक्स पहला, इसमें सबको पता चल रहा है ऑर्डर एक है और इसकी डिग्री भी एक है, तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए मेथड है कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, सबसे पहला मेथड आपको पता है वेरिएबल सेपरेशन, क्या करते हैं वेरिएबल सेपरेशन, यानी कि वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेशन में क्या करते हैं दोस्तों, एफ वाई डी वाई, यानी कि सीधी सी बात है वाई वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए डी वाई के साथ और एक्स वाली टर्म को एक तरफ ले जाइए डी एक्स के साथ, यही वेरिएबल सेपरेशन वाला हमारा क्या मेथड है। उसके बाद दोनों तरफ कर दीजिए इंटीग्रेशन, ये आप सबको पता है बहुत ही आसान मेथड है और ये हम करते रहे छोटी क्लासों के अंदर भी। अब बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो वाला तो पार्ट आपको समझ आ गया होगा, जैसे सिंपल सी बात है कोई आपको किसी ने आपको दे दिया, अगर मैं वेरिएबल सेपरेशन वाला आपको समझाऊं कि एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई है, तो क्या कीजिए वाई को उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय, यानी कि एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई को नीचे ले गया मैं डी वाई बाय वाई, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका हो गया लॉग वाई, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम। अब देखिए बात करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, देखिए कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होमोजीनियस कहलाती है अगर ईच टर्म ऑफ एफ एक्स वाई एंड फाई एक्स वाई इज द सेम डिग्री, यानी कि इनकी डिग्री क्या होती है बिल्कुल सेम होती है। देखो समझने की कोशिश करते हैं, ये देखिए इक्वेशन, इस इक्वेशन में कोई भी देख लीजिए x और y, x की पावर 1 है y की पावर 1 है, टोटल देखिए डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है दिख रहा है, y की स्क्वायर है एक्स वाई एक्स स्क्वायर, यानी कि दोनों का मल्टीप्लाई करके जो डिग्री बनेगी टोटल, या कैसे भी सिंगल की भी डिग्री जो बनेगी वो क्या बनेगी, हमारे पास डिग्री क्या बनेगी,
दो ही बनेगी। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में सबकी डिग्री दो ही बनेगी। तो ऐसी जो इक्वेशन होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर सबकी जो डिग्री होती है वो एक जैसी होती है सारी टर्म की, उसको कहते हैं हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, y बाय x को v मान लेते हैं, तो y हो जाता है वी एक्स, यहाँ से निकाला y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, उसके बाद v इंटू x में पहले x का किया 1, v बचा, फिर देखिए x वैसे ही पड़ा है, v की किया dv बाय dx, ये मान के ये पुट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। बात करते हैं एक एग्जांपल की, कहते हैं कि सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको पता चल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कि ये क्या कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, तो ये अपने को दे रखा है। क्या करोगे इसको दोबारा, इसको क्या करोगे, वाई को वी एक्स मान लोगे, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसकी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो v है इस v से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x dv by dx is equal to x sin v। अब आपको दिख रहा है वेरिएबल सेपरेशन हो जाएगा, dv by dx is equal to this, क्योंकि यहाँ x से x भी कट गया, और sin को क्या लिया है, ले आइए इसके नीचे ले आइए, ये बन गया, इंटीग्रेशन कर दीजिए cosec v, और cosec v का इंटीग्रेशन होता है log tan, cosec v का इंटीग्रेशन होता है log tan v by 2, तो उससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। अब देखिए मैंने बोला था ये इसकी एक्सरसाइज है, इसके जितने भी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 11 क्वेश्चन ये थे, 12 13 14 15 17 तक क्वेश्चन ये रहे, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो काम क्या करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, केवल आपको इतना ही देखना है कि डिग्री सबकी सेम होनी चाहिए। आप कोई भी इक्वेशन उठा के देख लीजिए, आप कोई भी इक्वेशन उठा के देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, देखिए एक्स स्केयर 2 डिग्री है सबकी, वाई स्केयर या एक्स वाई 2 डिग्री होगी सबकी, तो यहाँ से पता चल रहा है। ये वाली इक्वेशन देख लीजिए कितनी डिग्री है, 1 डिग्री है। फिर उसके बाद देखिए ये वाली इक्वेशन, इसमें 2 डिग्री है सबकी, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन उठा के देख लीजिए, आपको बस ये पता कर लेना है अगर वो होमोजीनियस लग रही है आपको, तो कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर का या जो भी उसका डिवाइड करके वाई बाई एक्स को मान लीजिए वी, और उसके बाद क्या कर लीजिए, जैसे ये इक्वेशन है मैंने डिवाइड वाली बात की, इसमें डिग्री 3 है, तो इस इक्वेशन में एक्स की पावर 3 का डिवाइड कर दो, तो क्या बन जाएगा इस इक्वेशन में, क्या बन जाएगा, देखो पहला स्टेप 2y² / x² dy, फिर उसके बाद यहाँ क्या बन जाएगा 1 1 + 2y / x³, ठीक है, और उसके बाद y बाई एक्स को v मान लीजिए, तो पूरी इक्वेशन v में और x में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये है इसका, आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा इसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब देखिए इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू होमोजीनियस फॉर्म, अब इक्वेशन ज़रूरी नहीं है होमोजीनियस हो, होमोजीनियस बना भी सकते हैं। मान लीजिए ये वाली इक्वेशन है ax dy/dx = ax + by + c / Ax + by + c, लेकिन ये बराबर नहीं है, कॉफिशेंट बराबर नहीं है, a/a इक्वल नहीं है b/b के, तो कहते हैं कि ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे, स्मॉल x को लिखेंगे कैपिटल x प्लस एच, स्मॉल y को लिखेंगे कैपिटल y प्लस k यहाँ पर, और आपको पता चल रहा है h और k तो कांस्टेंट हैं, इसका मतलब dx के बराबर और dy के बराबर, तो dy/dx के बराबर ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, तो x को रखा x प्लस एच, y को रखा y प्लस k, तो उसके बाद ये फॉर्म बन जाती है, ये फॉर्म आपके पास बन जाती है, जिसके अंदर क्या होता है ax + by, यानी कि इसके एक्स्ट्रा देखो ये बचता है। अब देखो इसको हमें क्या बनाना है, इस इक्वेशन को हमें होमोजीनियस बनाना है, तो इस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, h और k को इस तरीके से चूज़ करते हैं कि जितना भी कॉफिशेंट्स बच रहे हैं, जितना भी ये कॉन्स्टेंट्स दिख रहे हैं, इन दोनों की इक्वेशन क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, यानी कि जिनमें x और y नहीं है उन फॉर्म को ज़ीरो कर देंगे। जब इस फॉर्म को ज़ीरो करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप h और k निकाल लेना जितना भी आता है, और h और k निकाल के आप क्या कर सकते हो, उसको h और k निकाल के यहाँ पर पुट कर सकते हो यहाँ पर, और x और y की वैल्यू ईजीली आ जाती है, ठीक है ना। अब देखिए तो इक्वेशन क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन बन गई, ईजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, बिल्कुल आसान इक्वेशन बन गई, होमोजीनियस बन गई, ऊपर नीचे x का डिवाइड कर दीजिए तो y/x की फॉर्म बन जाएगी, और उसको मान लीजिए v सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगर a/a एंड b/b
बराबर हों तो क्या करें, तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए बराबर हैं, बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर कुछ m टाइम है नीचे या ऊपर में, नीचे या ऊपर में कुछ m टाइम है, तो वही चीज़ इसको ए करके ax प्लस by को क्या मान लीजिए, z मान लीजिए, और उसको इजीली अपने सब्सटीट्यूट करके वेरिएबल सेपरेशन लग जाएगा उसमें, इजीली इसमें पुट कर दीजिए आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कह सकते हो इसको कि ए बाई ए और बी बाई बी को वन बाई एम मान लिया, ए कैपिटल ए को ए एम और कैपिटल बी को बी एम, कहने का मतलब जब ये है तो उसकी फॉर्म में ही कुछ बनेगा, है ना, तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद इसकी ये आपके पास एक्सरसाइज है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके क्वेश्चंस करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद कुछ नीचे क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप कर सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कुछ भी नहीं है। आज हमने दो ही चीज़ें पढ़ी हैं, एक तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक वेरिएबल सेपरेशन, और एक कौन सी इक्वेशन जो होमोजीनियस नहीं होती उसको होमोजीनियस कैसे बनाना है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में इतना ही ध्यान रखना है, वाई वाई एक्स को वी मान लेना है, वाई को वी एक्स मान लेना है, और वाई को वी एक्स करके वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसी इक्वेशन में डिग्री सेम होनी चाहिए, याद रखनी है एक्स और वाई की फॉर्म में। उसके बाद देखिए दूसरी इक्वेशन जो रिड्यूस करनी है होमोजीनियस में, उसमें और भी आसान होता है, उसमें कुछ नहीं करना, स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स प्लस एच रखना है, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को कैपिटल वाई प्लस के रख देना है। और उसके बाद क्या करोगे, इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये फॉर्म मिलेगी, इसमें जो है एक्स वाई वाली टर्म को रखना है, बाकी सारी की सारी टर्म्स को क्या कर देना है, ज़ीरो कर देना है, और ज़ीरो करके एच और के की वैल्यू निकाल देनी है, और एच और के की वैल्यू यहाँ रख देनी है, एक्स और वाई की वैल्यू नई फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये बराबर हैं ए बाई ए और बी बाई बी, तो ऑब्वियसली बात है कुछ कॉमन आ जाएगा नीचे से या ऊपर से, तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर उसको जेड मान के, ए एक्स प्लस बी वाई को जेड मान के सॉल्व करोगे तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड वहाँ ईजीली लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन हैं, इसके कोई भी क्वेश्चन करके देखना होमोजीनियस में कन्वर्ट करके। तो ये आपका हो गया आज का पहला लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन का, बाकी अगली डिस्कशन बाद में करेंगे। तो नेट के एग्ज़ाम के अंदर तो डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन पक्का ही आता है, आईआईटी एग्जाम में भी, तो धीरे धीरे हम इसको कुछ एक लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मेथड देखने हैं और प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है। जो मैंने ये इक्वेशन दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, इनको घर पे करके देखना, ये अब आपको करके देखने हैं, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से गाइड करता रहूँगा, और आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।